आदेश महाकाल, स्वागत है सभी का इस वीडियो में। यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। जो लोग हमसे परिचित हैं वह लोग भलीभांति जानते हैं कि हमारी सीमाएं क्या हैं। यह किसी साधारण से व्यक्ति की बनाई हुई वीडियो नहीं। इस वीडियो का एक उद्देश्य है जो तुम्हारी बुद्धि के ऐसे स्थान पर चोट करेगा जिससे तुम ये विश्लेषण कर पाओगे कि शक्तियां और उनका अस्तित्व और उनका ट्रांसफर क्या है। ओम विद्या। अधिकतर समय मैं साधारण मनुष्य की भांति रहता हूं, परंतु ज्यादातर मेरे शरीर में प्रेतों का निवास रहता है। मैं एक तांत्रिक हूं। भारत के अंदर बड़े बड़े लोग भली भांति मुझे जानते हैं, मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं। परंतु जो लोग नए हैं इस छोटे से YouTube चैनल पर जुड़े हैं, उन सब का स्वागत किया जाता है। इस चैनल के ऊपर केवल और केवल सिद्धि, साधना और ट्रांसफर के विषय में जानकारी दी जाएगी। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि गुरुवर प्रेत जिन्नात और बेताल, भूत पिशाच आदि का ट्रांसफर लेना कैसा है, क्या इन शक्तियों का ट्रांसफर लेना चाहिए। यदि इनका ट्रांसफर मिल जाए या कोई व्यक्ति इनकी सिद्धि कर ले या किसी गंदी शक्ति को, किसी प्रेत को, किसी पिशाच को वह खुश कर ले, तो उससे क्या लाभ उठा सकता है। याद रखें, यह तामसिक शक्तियां होती हैं। यदि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम इनके गले में वो लगाम डाल दो जिससे यह तुम्हारे नियंत्रण में रहने लगे, तो तुम्हें यह करना चाहिए। यदि तुम्हारे गुरु इतने ताकतवर हैं, इतने शक्तिशाली हैं, उनके पास ऐसी सत्ता लागू है जिससे यह शक्तियां तुम्हें हानि ना पहुंचा सकें, उस स्थिति में तुम इनकी साधना कर सकते हो, इनकी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो। मैं यह तुम सबको बता सकता हूं कि इनकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए तुम्हें कैसे स्थान पर जाना चाहिए, किस स्थान पर तुम ऐसी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो। परंतु याद रहे, साधना का मार्ग कठिन होता है। साधना के मार्ग में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जीवित नहीं लौटते। यह एक बड़ा कारण है कि लोग साधनाओं के क्षेत्र से बचते हैं और ट्रांसफर के मार्ग पर चलते हैं। आखिर ट्रांसफर होता क्या है? जब कोई शक्ति सामने आकर प्रकट हो जाती है, कोई तांत्रिक किसी शक्ति को सिद्ध कर लेता है, या मान लो कोई बहुत बड़ी ताकत, एक ऐसा अरूज, एक ऐसी सत्ता जो दुनिया में किसी भी चीज को गुलाम बनाने के लिए ताकत रखती है, जैसे कि दैत्यराज शैतानी शक्तियों को भिवंती बना लेते हैं, पिशाच बेताल, यह सब शक्तियां हमारी कुछ तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से पकड़ी जाती हैं। जब हम इन्हें बंदी बना लेते हैं तो इनसे वचन लेते हैं, और उसके बाद जिन लोगों को उनकी आवश्यकता होती है उन लोगों को इन्हें दे दिया जाता है। यही ट्रांसफर कहलाता है। बहुत सारे लोग ट्रांसफर की परिभाषा भी नहीं जानते, परंतु उन्हें लगता है कि शक्ति ट्रांसफर बहुत बड़ी चीज है। याद रखें, जो शक्ति किसी व्यक्ति के पास होगी उसी शक्ति का ट्रांसफर वह तुम्हें दे सकता है। यदि उसके पास वह शक्ति नहीं है तो उसका ट्रांसफर नहीं मिल सकता। कौन लोग इन तामसिक शक्तियों का ट्रांसफर ले सकते हैं और कितना खतरनाक है और कितना अच्छा है? जो पारिवारिक लोग हैं, जो गृहस्थ हैं, जिनके घर में बीवी बच्चा माँ आदि हैं, जो एक छत के नीचे रहते हैं, वैरागी नहीं हैं, अकेले नहीं रहते हैं, ऐसे लोग अगर चाहें तो इन तामसिक शक्तियों का ट्रांसफर ले सकते हैं। परंतु उन्हें इन शक्तियों को किसी एक स्थान पर स्थान देना होगा। स्थान का अर्थ है कि यह चीजें एक स्थान मांगती हैं। मान लो तुमने किसी शक्ति का ट्रांसफर ले लिया, मान लो तुमने किसी प्रेत का ट्रांसफर ले लिया। यदि तुम किसी प्रेत का ट्रांसफर ले लेते हो किसी बोतल में, किसी चीज में, और तुम उसे अपने घर में रखते हो, तो कई बार तुम्हें महसूस होता है उसकी आवाज, उसके हंसने की आवाज, उसकी भयावह हंसने की आवाज, उसका रोना, उसकी ऐसी अजीब और गरीब आवाजें तुम सुन सकते हो, तो घर के जो सदस्य हैं वो डर जाते हैं। ओम दैत्या। मैं हर समय जुनून में रहता हूँ, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, अभी भी मैं जुनून में हूँ।
मेरे अंदर शक्तियाँ हर समय ऐसे करंट पैदा करती हैं कि मैं तिल मिलाता रहता हूँ। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। कौन लोग, बहुत सारे लोग मेरा मान सम्मान करते हैं, मुझे मानते हैं। इसका कारण है मेरे पे ताकत है, विद्या है। बहुत सारे लोग मेरे शिष्य हैं, तादाद है हजारों की जो लोग हमारे शिष्य हैं। पर जो लोग इन शक्तियों का ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, उन्हें कैसे ट्रांसफ़र मिल सकता है? प्रेत का, जिन्नात का, बेताल का, भूत का, पिशाच का, जितनी भी ये तामसिक शक्तियाँ हैं, इनका ट्रांसफ़र किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है। कौन लोग इनका ट्रांसफ़र लेंगे? पंजाब के क्षेत्रों में, राजस्थान में जो लोग चौकी आदि, या जो लोग गद्दी लगाते हैं, जो लोग लोगों का इलाज करते हैं, ऐसे लोग इनका ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इनका ट्रांसफ़र उन लोगों के लिए है जो लोग इस तरह के काम करते हैं, लोगों को देखते हैं, प्रेत बाधा या प्रेत से पीड़ित कोई व्यक्ति है उसे देखते हैं। क्यों, हम लोगों पे तो इतना समय नहीं है कि इतनी हजारों की भीड़ हम पे टूटती है, नहीं देख सकते। तो ऐसे लोगों को इस कारण से हम शक्तियों का ट्रांसफ़र देते हैं ताकि वह लोग लोगों का भला कर सकें। बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए भी शक्तियों का ट्रांसफ़र लेते हैं, परंतु यह जितनी भी तामसिक शक्तियाँ हैं, हर शक्ति की एक सीमा होती है। ऐसा नहीं है एक छोटे से प्रेत से तुम कोई बहुत बड़ा काम करा सकते हो, उसके लिए बड़ी शक्तियाँ चाहिए होती हैं। तो बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती हैं, परंतु जो छोटे स्तर की शक्तियाँ हैं, छोटे स्तर की तामसिक शक्तियाँ हैं, उनका ट्रांसफ़र भी एक साधारण मनुष्य ले सकता है जिसकी स्थिति कुछ भी ना हो, वह लोग इन्हें रख सकते हैं। जिन्नातों में बड़ी शक्तियाँ भी होती हैं, ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ। जो बहुत ही जिन्नातों की भी किस्में होती हैं, तामसिक शक्तियों में, छोटी शक्तियों में भी जिन्नात आता है और बड़ी शक्तियों में भी जिन्नात आता है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। जिन्नात और बेताल भी कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया है अनेकों वीडियो में। जो बड़े दर्जे के जिन्नात होते हैं, उनके पास बला की ताकत होती है, वो किसी व्यक्ति को धनवान बना सकते हैं, जैसे गड़ा धन कहाँ ये बता सकते हैं, धन ला कर दे सकते हैं। तो ऐसी भी शक्तियाँ हैं, वो उनके मन के ऊपर बात है। वचनबद्ध होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन याद रहे, कुछ छोटे स्तर की भी शक्तियाँ होती हैं, परंतु कार्य वह भी करती हैं। बहुत सारे लोगों के लिए वह शक्तियाँ भी महत्वपूर्ण होती हैं। यदि कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में आना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो उसका स्वागत है। हम अभाग्य लेते हैं और वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, जो तुम्हारे सवाल हैं वो पूछें। हरे शंभुनाथ।